ये सॉन्ग कैसा, ये कैसी बहार। अरे पुत्तू, ये सॉन्ग नहीं, ये है संतुलित आहार स्वस्थ का आधार। क्या मतलब? मतलब साफ है। क्या? ये बालक खाना ठीक से ना खाए, सेहत गवाए और स्वस्थ हो जाए। तो फिर जा इन्हें समझा ताकि ये सही भोजन खाएं और मेरी तरह चुस्त हो जाएं। जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास भी जाएं और उनकी सलाह से संतुलित भोजन खाएं। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, वैसे तो कोई खास बात नहीं है जी। लेकिन जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है जी। उसी तरह शरीर को चलाने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। भोजन तो मैं खूब करती हूँ डॉक्टर अंकल। बिटिया, भोजन खूब करने की नहीं, संतुलित आहार की जरूरत होती है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब है हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों का होना जी। वो भी सही मात्रा में, सही अनुपात में जी। है ना बात पते की? चलो देखें और आगे की। एक ही प्रकार के खाने में सभी पौष्टिक तत्व नहीं होते, मिला जुला खाना ही ताकत वाला होता है, क्योंकि उसमें तीनों प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और बीमारियों से रक्षा करते हैं। खाने में तरह तरह के पकवान शामिल करने चाहिए, जिसमें दाल, दूध और दूध से बनी चीजें खासतौर से बच्चों को रोज ही खिलानी चाहिए। चाय कॉफी पिए तो एक जमाना बीत गया है, क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ ना हो ये सोच के। क्या दूध मंगाए? अंकल, दूध तो सुबह नाश्ते में पी चुके हैं, मंगवाना ही है तो जूस चलेगा? जूस मंगाते हैं। काम चार जूस। अच्छा सर, अभी लाया। पुनिया साहब, आपको मालूम है कि जूस जो है लोगों को मालूम नहीं कैसे पिया जाता है, एक झटके में उसे गल्प कर जाते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता। यानी तरीका इसका जो सही तरीका वो ये है कि धीरे धीरे सिप करते हुए, यानी कि एक जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि यू शुड ड्रिंक योर सॉलिड एंड ईट योर लिक्विड, मतलब है कि जो लिक्विड है इसको आप सॉलिड समझ के चबा चबा के धीरे धीरे सिप सिप करके 10 मिनट पीजिए। नेचर ने हमें जूसेस दिए हैं, कुदरती वो अमानत मिली हुई हमें, वो इसमें मिक्स हो जाती है और वो जब हमारे शरीर में जाएगा तो उसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद ये बात आप अपने दोस्तों को भी बताइए और बड़े काम की बात है, ये बड़े बात पते की है, बात पते की है।
भोजन में फल, कच्ची सब्जियां जैसे मूली, प्याज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, नींबू, हरी सब्जियां, पालक आदि अवश्य लें। एक बात और सुनिता हूँ। उधर देख, अम्मा सो रही है। उठ जा अम्मा और सुन ले बात पते की। बुआ, तेरा ध्यान किधर है? गुलाबो, जल्दी से बता राज की बात इन बच्चों को। पूरा शक्कर, गुड़ से बनी चीजें भी बच्चों को खिलानी चाहिए। अरे पगली, भूरा नहीं, बुरा बुरा बुरा। हाँ वही वही। समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों? आप इन्हें रोज खाइए और हमारी तरह सेहत बनाइए। पाने के लिए बच्चों, आप किसी भी प्रकार का खाना खा सकते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। मांसाहारी लोग प्रोटीन की कमी को मांस मछली खा के पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके सलाद रोज खाइए। रेशेदार फल सब्जियाँ जैसे कि संतरा, मौसमी, आम, पालक खाना ना भूलें। रेशा भोजन को आंतड़ियों में आगे ढकेलता है और कब्ज होने से बचाता है। अंकुरित कर चना दाल खाएं और विटामिनों की भरपूर मात्रा पाएं। हमें न कम चाहिए न ज्यादा चाहिए, हमें तो बस संतुलित आहार चाहिए, हमें तो बस संतुलित आहार चाहिए। हमारा प्रत्येक भोजन संतुलित हो ऐसा तो शायद संभव न हो, पर एक सप्ताह के खान पान को संतुलित करना तो कोई मुश्किल बात नहीं। संतुलित आहार पाने के लिए बच्चों, हरी सब्जियाँ रोज खाओ, खिचड़ी दाल में इन्हें मिलाओ, पालक पाथू घर में लाओ, तरह तरह के व्यंजन पकाओ, आटे में गूंद के रोटी बनाओ, पत्तों का भी साग बनाओ और पौष्टिक आहार खाओ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ बीमारी से लड़ने की शरीर को क्षमता देती है और आँखों की सेहत की भी रक्षा करती है। अरे गुलाबो, तू तो ज्ञान का भंडार है, ये सब तू कैसे जानती है? अरे मैं वेदराज की बेटी हूँ, वेदराज की। कहीं बंडल तो नहीं मार रही? भूल गया, जब तू बारात लेके मेरे घर आया था और बीमार हो गया था। अरे हाँ, और तेरे बापू ने ही मुझे ठीक किया था। अब तुझे याद आया हीरा? वैजराज की बेटी यानी मेरी इकलौती बीवी, वो भी बीवी नंबर वन। चलते चलते एक बात और पल्ले बांध लो बच्चों, पानी भी खूब पिया करो। पानी तो जीवन का आधार है और हमारे खाने का भागीदार है। तुझे मालूम है हीरा, पानी भी उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन। भोजन के बिना तो हम कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो कुछ दिन भी जीना मुश्किल हो जाता है। अरे वाह, लगता है तू भी मेरी तरह समझदार हो गया है। है ना बात पते की? सुन लिया मेरे बच्चों? समझ भी लिया। संतुलित भोजन खाए जो बच्चा, स्वस्थ रहे वो हमारा बच्चा। डॉक्टर साहब का कहना सच्चा। गुलाब, तेरा खाना अच्छा। जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। आइए भाभी, आइए।
खाइए। अरे ये क्या? मुझे नहीं खानी ये। क्यों क्यों नहीं खानी? मुझे हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती। क्या खराबी है इसमें? मैं बताऊं भाभी, इसके दोस्त शामू ने इसे उल्टी पट्टी बढ़ा दी है। क्या बट्टी? उसने बताया कि हरी सब्जी खाने से रंग सांवला हो जाता है। रे बुद्धू के बुद्धू ही है, वही बात हुई ना, एक ने कही दूसरे ने माने, को नानक दोनों ज्ञानी। हरी सब्जियां तो गुणों से भरपूर और मौसम की मेवा होती है। अच्छा कल देखा नहीं था, कठपुतली वाले आए थे तो हरी सब्जियों पे उन्होंने कितना जोर दिया था। तो फिर मैं कल से ही हरी सब्जियां खाना शुरू करूंगा। कल से क्यों बेटा? क्यों? आज से ही शुरू करो। आज क्या है? अरे भाई आज भी मेरी बिटिया का जन्मदिन है और आप सब खाने पर आमंत्रित हैं। ओहो अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब मैंने संतुलित आहार ही बुलवाया है सबके लिए। ये जरूरी नहीं कि संतुलित आहार महंगा ही हो, सस्ते में भी सेहतमंद और पौष्टिक आहार खाया जा सकता है। घर घर में हुआ उजाला, घर घर में हुआ उजाला, जब लहर ज्ञान की आई, जब लहर ज्ञान की आई, घर घर में हुआ उजाला। संतुलित आहार ही नींव है स्वास्थ्य की, अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई। क्यों बच्चों आई समझ में? खूब समझ में आई चाचा। हंसते खेलते बच्चे देख के, हंसते खेलते बच्चे देख के, गुलाबो भी मुस्काई, गुलाबो भी मुस्काई, मैं भी मुस्काया चाचा। घर घर में हुआ उजाला, घर घर में हुआ उजाला, जब लहर ज्ञान की आई, जब लहर ज्ञान की आई, घर घर में हुआ उजाला, घर घर में हुआ उजाला, घर घर में हुआ उजाला।